किस माध्यम से जो जनसंपर्क कर रहे हैं? हम अपना प्रत्याशी ऋषिराज यादव का प्रचार कर रहे हैं। किस उद्देश्य के साथ? विजय के साथ, विजय हो इसके लिए प्रचार कर रहे हैं। और इस बार 1000 के पार, 100-200 नहीं, 1000 के पार। क्या माहौल है उनका? बहुत अच्छा माहौल, सब जगह बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। जन सैलाब एकदम उमड़ पड़ा है ऋषिराज यादव के प्रति। जी जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश चंद्र है। क्या कहना चाहते हैं जनसंपर्क के लिए? कौन इसलिए जनसंपर्क कर रहे हैं कि एक योग्य और कर्मठ जो प्रत्याशी है जी, जो इस गांव के विकास को सही दिशा दे सके जी, जिससे सभी वर्गों का जी समुचित विकास हो सके और सभी लोगों में एक जो निराशा का माहौल है जी, वह माहौल को बदल सके और सब लोग जो है एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम व्यवहार यह भी कायम रहे, विकास के साथ प्रेम और यादव पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल कोड जौनपुर। सर, आप चुनाव उपचुनाव जो है होने वाला है आपके ग्राम? हाँ, उपचुनाव मेरे ग्राम समाप्त पंचायत में होने वाला है, क्योंकि मेरे पिताजी नवनिर्वाचित प्रधान थे जी। तो उसको लेकर जनता के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके भी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव को लेकर? जनता को संदेश मैं यही देना चाहता हूं कि सभी लोग निष्पक्ष रूप से और निडर होकर बूथ पे जाके सभी लोग मतदान करें, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। तो आगे चुनाव है जी, तो क्या ऐसी कोई चीज जिससे आपको दबाव प्रेशर आता हो किसी के? हाँ, इस उपचुनाव में कुछ प्रेशर मेरे मतदाताओं के ऊपर, मेरे समर्थकों के ऊपर कुछ राजनीतिक दबाव पड़ रहे हैं जिसकी, और उनके जो है डरवाने धमकाने की भी योजना बनाई जा रही है, और बस्तीवार में जो गरीब जात के लोग हैं उनको डराया और धमकाया भी जा रहा है। सुनने में हमें ये भी आया कि यहाँ ओबीसी और एससी को वोट न देने दिया जाए। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी अभी हमको नहीं मिली है, और जैसे मिलेगी मैं आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन को पहुँचाने का कार्य संत बता देता हूँ ना जी। चुनाव में जो है मेरे कुछ समर्थकों को 3/6/2021 को नोहरा डीवा में प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। किसके द्वारा मारा पीटा गया? क्या उनका कुछ और नाम? उनके पड़ोसियों द्वारा उनको मारा पीटा गया। तो उनका कुछ नाम बता सकते हैं? जिसमें विजय सिंह, विपिन सिंह, ऐसे और कुछ समर्थक, दोनों पक्ष को कुछ न कुछ चोटें आई थी। उसके बाद उसी को तो क्या चुनाव रंजिश को लेकर ही? हाँ, चुनाव रंजिश को लेकर, क्योंकि ये लोग गरीब व्यक्ति हैं, उनको द्वारा कहा गया कि मतदान आपको मेरे कहने के अनुसार करना होगा, उन लोगों ने इसका प्रतिवाद किया, उसी को लेकर जो है उनको मारे पीटे और दोनों पक्ष में विवाद हुआ। उसी के रिएक्शन में मेरा लड़का, मेरा भतीजा दुकान पर सामान लेने जा रहा था, 4/6/2021 को शाम को 6 बजे उनको बुरी तरह मारे, जिससे उनका एक दाहिना हाथ टूट भी गया, जिसकी सूचना मैंने स्थानीय थाने को दे दिया हूँ, और इस पूरे प्रकरण की सूचना ऑनलाइन के माध्यम से एसपी महोदय को, डीआईजी महोदय को, निर्वाचन आयोग को आज दिनांक में क्या तारीख है 9/6/2021 को भी मैं दे दिया। तो आप इसको लेकर प्रशासन से क्या मांग करना? मेरे प्रशासन से यही मांग है कि यह उपचुनाव हो रहा है और इसको निष्पक्ष ढंग से कराया जाए और किसी को डराया धमकाया ना जाए, सभी मतदाता बूथ तक पहुँच कर अपने वोट का, अपने मतदान का प्रयोग करें। तो यही आशा और विश्वास के साथ मैं प्रशासन में विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो आपके ग्राम सभा में उपचुनाव का माहौल है, तो इसमें जनता को क्या लुभावना देने का कार्य यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा लोगों को लुभावना देने का? इस चुनाव में, उपचुनाव में विपक्षियों द्वारा जो है मतदाताओं को तोड़ने के लिए तमाम पैसे की, शराब की, तमाम लोग लुभावने जो है दबाव की तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने ग्रामीण क्षेत्र हमारा हिम्मत है, ऐसा उनका कार्य किया जाता है, तो ऐसा कुछ आपके ग्राम सभा में तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? और मेरे विपक्षी द्वारा जो चुनाव लड़े हैं उनके समर्थकों द्वारा, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसे इसके माध्यम में आप अपने ग्रामीणों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ऐसे
अपने ग्रामवासियों जो मतदाता हैं इनको मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग निष्पक्ष रूप से अच्छे व्यक्ति का चयन कीजिए और निर्भीक रूप से मतदान